संघर्ष की है, राह संघर्ष की है, झुकना नहीं। राह संघर्ष की है, झुकना नहीं। मंजिल कितनी भी दूर हो, रुकना नहीं। मंजिल कितनी भी दूर हो, रुकना नहीं। तू चला चल, तू चला चल। मुसीबतें आए तो आए, परवाह मत कर। मुसीबतें आए तो आए, परवाह मत कर। कर हर मुसीबत का सामना डट कर, कर हर मुसीबत का सामना डट कर। तू चला चल, तू चला चल। बस यह मिशन इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, यह हम सभी क्षेत्रवासियों की कामना है कि हमारे नन्हे मन्ने जो ननिहाल है, ये उच्च शिखर तक यहाँ से पहुंचे, ऐसा प्लेटफॉर्म इनको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा और किया जा रहा है। साथियों, हमारा यह पूरा क्षेत्र एक पलायन की मार को झेल रहा है। विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं, उत्तराखंड राज्य जब से उदय में आया, उसका मूलभूत कारण यही था कि पलायन को रोकना। लेकिन हम उस मिशन में कुछ हद तक पीछे हो गए हैं, कामयाब नहीं हो पाए हैं। जिस रूप से पलायन को हमारा रोकना मकसद था वो, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस मिशन में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या कारण है, किस कारण से वह पलायन जो गांव घर आज खाली हो चुके हैं, कितने गांव में सैकड़ों आबादी रहा करती थी, लेकिन वहां आज सरपंच नियुक्त करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, इतने गांव यहां पर ऐसे भी हैं। तो यह हमारे लिए बड़े दुख का विषय है कि हमारा क्षेत्र इस पलायन की मार को झेल रहा है। यह सरस्वती सर्व शिक्षा मिशन स्कूल परिवार एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये सभी नन्हे मुन्ने नौनिहालों को प्रदान कर रहा है, क्योंकि हमें साथियों जैसे हम पता ही है कि पलायन का जो मुख्य कारण है वो है शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के अभाव में ही, उच्च कोटि की शिक्षा अभाव में ही, आधुनिक शिक्षा के अभाव में ही, चरित्रवान गुणवान सृजनात्मक शिक्षा के अभाव में ही आज यहाँ का नौनिहाल पलायन कर रहा है। ये हमारे लिए बड़े दुख का विषय है। सरस्वती सर्व शिक्षा मिशन स्कूल परिवार इन सभी नौनिहालों को समस्त क्षेत्र की जनता के प्रति संवेदनशील होते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रदान कर रहा है, ताकि जो बच्चे उस प्राथमिक आधुनिक शिक्षा के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हो, उसको यहाँ प्राप्त कर सके। ऐसा प्लेटफॉर्म इस विद्यालय परिवार द्वारा आप लोगों के क्षेत्र में यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। तो मैं आह्वान करता हूँ समस्त क्षेत्र की जनता को, इस समस्त क्षेत्र की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आए, जुड़े इस मिशन से, जुड़े इस परिवार से, और अपने नौनिहालों को उज्जवल भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको इस मिशन स्कूल परिवार से जोड़े, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम सभी उस शिखर तक उनको पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समस्त गुरुजन वृंद, समस्त स्टाफ विद्यालय परिवार का उन नौनिहालों को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां तक वो पहुंच सके, जितना जितने पंख वो अपने फैला सके वहां तक उनको पहुंचाने के लिए पूरा विद्यालय परिवार प्रतिबद्ध है। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों से कह ही रहा था कि पूरे रीठागार क्षेत्र में, मल्ला रीठागार, तल्ला रीठागार, पूरा क्षेत्र पलायन की मार को झेल रहा है। गांव घरों में बुजुर्ग लोग, उनको देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं है। क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है शिक्षा। इस आधुनिक शिक्षा को जो यहाँ पर आपके डोनिहाल यहाँ पर पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उसी के अभाव में यहां से गांव घरों से पलायन हो रहा था। तो काफी हद तक हमारा यह मिशन सार्थक सिद्ध हुआ है, और हम निसंदेह मिशन में कामयाब होकर दिखाएंगे और होकर रहेंगे। और जिस वजह से हमारे आज गांव घरों से यहाँ पर पलायन हो रहा है, निसंदेह हम उसको रोकने में हमारा यह प्रयास कारगर सिद्ध होगा। तो साथियों, अधिक बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर और बाकी हैं। हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहाल यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम आप सभी लोगों के सम्मुख यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए कुछ चंद लाइनें आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करूंगा। एक दर्द और एक पीड़ा को आप लोग सभी लोगों के सम्मुख उजागर करना चाहूंगा। गौ गौ पलायन का शिकार हैगी, गौ गौ पलायन का शिकार हैगी, उखल पिरान आगन सुनसान हैगी। गौ गौ पलायन का शिकार हैगी, उखल पिरान आगन सुनसान हैगी, यो पितरों को मकान इकले रहेगी।
यह पितरों को मकान इकला रहगी, यह तुमर उनक आश लागरी, यह तुमर उनक आश लागरी, बंद दरवाजे तुमर बाट चेरी, बंद दरवाजे तुमर बाट चेरी, गौ गौ पलायनक शिकार हैगी, उखल दीरान आगन सुनसान हैगी। यो बंद मकान डाल मारना, यो बंद मकान ढाल मारना, तुमर फुटक निशान चाना, तुमर फुटक निशान चाना, गौ गौ पलायन का शिकार हैगी, उखली बिरान आगन सुनसान हैगी। तो साथियों, आप समस्त क्षेत्र की जनता से मैं अनुरोध करूंगा और आह्वान करता हूं इस समस्त क्षेत्र की जनता से कि आप आए जुड़े इस मिशन स्कूल परिवार से और अपना सहयोग इस विद्यालय परिवार को प्रदान करें, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग से अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा, आप सभी को इस मिशन को सार्थक बनाने के लिए और इस पलायन जो मैं आपके सामने मुद्दा उजागर कर रहा हूँ इसके प्रति संवेदनशील होते हुए आप सभी इस मिशन से जुड़े और इस विद्यालय परिवार को अपना सहयोग प्रदान करें, तभी जाके हम सबके सामूहिक प्रयास से यह प्रयास हमारा सफल हो पाएगा। ज्यादा वक्त आपका जाया न करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। एक बार पुनः समस्त विद्यालय परिवार का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और इन ननिहालों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।